नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है धाकड़ न्यूज के इस नए एपिसोड में। आप देख रहे हैं धाकड़ न्यूज, विश्व का सर्वश्रेष्ठ न्यूज नेटवर्क सिर्फ धर्मेंद्र धाकड़ के साथ। ये हमारी जो जनता है, जैसा कि देखिए, ये जो जनता है पीछे उनको दिखाइए, कोई कह सकता है इस जनता को देखने के बाद कि एक महीना पहले इनकी गांडे फटी हुई थी, सब लोग डर में थे, मास्क पहन रहे थे, और आज देखिए थोड़ा सा कोरोना का केस कम क्या हुआ, मास्क भूल गए लोग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, कहीं भी गांड मरवाने के लिए निकल जा रहे हैं। अब कितनों को मारे हम, आप ही बताइए। हैं, आई एम डिसअपॉइंटेड बहनचोद। तो चलिए, एक अभी जो सिचुएशन चल रहा है, इसे बचने का, थर्ड वेव से बचने का एकमात्र रास्ता है वैक्सीनेशन। तो आइए हम लोगों से थोड़ी बात करते हैं कि वैक्सीन के बारे में उनके राय जाने। ये देखिए, यहाँ पे एक महानुभाव आराम कर रहे हैं, इनसे थोड़ी सी हम बातें करते हैं। थोड़ा सा उठिए, क्या नाम है सर आपका? जुलुम कुमार नाम है सर। जुलुम जी, अभी सरकार ने वैक्सीनेशन लॉन्च कर दिया है, कई सरकारी अस्पताल में मिल भी रहा है, तो आपने वैक्सीन लगवा लिया है? नहीं लगवाया है सर। कहे वैक्सीन क्या नहीं लगवाए जी? नहीं लगवाए हैं कि वो रिजेक्शन कर जाता है। कौन सी रिएक्शन होता है? रिजेक्शन होता है कि खड़ा ना होता है, बाल बच्चा नहीं होता है। कोची खड़ा नहीं, अरे साला पोर्न स्टार बनिएगा जी आप। के ही सब समझा दिया कि खड़ा नहीं होता है, ये सब नहीं होता है, ये सब कुछ नहीं है। वैक्सीनेशन सेफ है, जाइए वैक्सीन लीजिए, ठीक है? चलिए चलिए, जाइए आप वैक्सीन लीजिए। देखिए, हमारी रिपोर्टिंग लगातार जारी है, लोगों को हम इंस्पायर कर रहे हैं वैक्सीन के लिए भी और मास्क के लिए भी, करते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए। जी हाँ, तो रिपोर्टिंग के सिलसिले में हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते लोगों से हम जानेंगे कि आखिर रीजन क्या है कि वो मास्क आखिर पहन नहीं रहे। थर्ड वेव के आने की आशंका है, और इन्हीं भोसड़ी वालों के चलते थर्ड वेव हमारे देश में आ सकता है। तो आइए कुछ लोगों से हम लोग बातें करते हैं। देखिए यहाँ कुछ लोग हैं, इधर आओ ना जी, इधर आओ, आइए, इनसे हम थोड़ी सी बातें करते हैं और वजह जानेंगे कि आखिर क्या है, कौन सा कीड़ा हमारी जनता में घुसा हुआ है कि जैसे ही थोड़ी सी ढील मिलती है मास्क उस पहनना बंद कर देते हैं। इधर आइए, क्या नाम है आपका? चोखन कुमार। जी जी, जो भी नाम है आपका, आप ये मुझे बताइए कि कभी सरकार की तरफ से क्या आपको ऐसा कोई मैसेज आया है कि कोई एडवाइजरी आया है कि मास्क उतार दीजिए आप? जी नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं आया है। ऐसा नहीं ना आया सरकार की तरफ से? तो मास्क आप काहे उतारे हैं जब ऐसा मैसेज नहीं आया तो? सर कोई नहीं लगा रहा, इसीलिए हम भी नहीं लगा रहे। तो मतलब सब गांड मराएगा तो अभी मरवा लीजिएगा ना? नहीं सर, ना मरवा लीजिए तब। मास्क पहनना जरूरी ना है जी? है, ये देखो रखा है फिर भी नहीं लगा रहा है, देखिए लगा मास्क, और एनी टाइम मास्क लगा के चलना है, ठीक ना? जाओ जाओ मास्क, या यही हमारी जनता में है नियम, क्या मैं बोलूं, थोड़ा सा नियम में ढील नहीं हुआ, तुरंत गांड मरवाने के लिए मास्क वास्क सब उतार देंगे। मास्क जरूरी है, लगाइए, नहीं तो गांड फाड़ने का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए आप धाकड़ न्यूज, धर्मेंद्र धाकड़ के साथ में।